नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 13वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के अभिमानी वचनों को सुनकर कर्ण रंगभूमि में आ जाते हैं और राजकुमार दुर्योधन को राजकुमार अर्जुन के बंधन से मुक्त करा देते हैं। और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि कर्ण के रंगभूमि में उतरने के पश्चात सभी की क्या प्रतिक्रियाएं रही। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण के रंगभूमि में उतरने के पश्चात, कर्ण का वास्तविक परिचय उजागर होने के पश्चात कि वो एक सूत पुत्र है, वहां उपस्थित सभी लोगों ने कर्ण का बहुत तिरस्कार किया। और जब कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य के अभिमानी वचनों व उनकी चुनौती को स्वीकार करने के उद्देश्य से राजकुमार अर्जुन को द्वंद के लिए ललकारा, तब पितामह भीष्म ने कर्ण को इस द्वंद में शामिल होने से मना कर दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। इस पर कर्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, पर क्यों पितामह भीष्म, मुझे इस द्वंद की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? मोती किस सागर से आता है ये कौन पूछता है? उसे माला में ही पिरोया जाता है ना? सागर जलधारा को खुद में समाने से पूर्व उससे उसका उद्गम नहीं पूछता, तो फिर मेरे सूत पुत्र होने के कारण मुझे इस द्वंद की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? इस पर पितामह भीष्म कर्ण से कहते हैं, जो प्रथा दशकों से चली आ रही है उसके भी कुछ नियम हैं, जिनका उल्लंघन असंभव है। जिस पर कर्ण पितामह भीष्म से कहते हैं, हे पितामह भीष्म, नियम ये थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो, पर आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले, तो आज ये नियम क्यों नहीं बदल सकते? गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण थे, पर कर्म से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, तो क्या एक सूत पुत्र को अपने कर्म से द्वंद का अधिकार नहीं मिल सकता? इस पर गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत क्रोधित होकर कर्ण से कहते हैं, नहीं नहीं मिल सकता एक सूत पुत्र को द्वंद का अधिकार, क्योंकि सूत का केवल एक ही कार्य होता है, रथ की डोर को संभालना, ना कि धनुष की प्रत्यंचा को संभालना। क्योंकि लौह से तलवार निर्मित हो सकती है पर आभूषण नहीं। स्वर्ण की माला में केवल मणि जड़े जा सकते हैं, कोयले के खंड नहीं। इस पर कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे गुरु द्रोण, जो मणि राजकुमार के ताज की शोभा बढ़ाती है वो मणि भी कोयले की खान से ही प्राप्त होती है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए और कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया आपने और तर्क दिया कि मैं सूत पुत्र हूं। फिर भील पुत्र एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया, तब तर्क दिया कि गुरु दक्षिणा थी। और जब लगा कि आपके प्रिय शिष्य अर्जुन को ललकारने वाला कोई नहीं, तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दे डाली आपने। और जब अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आपकी सभी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, तो अब आप मुझे तर्क दे रहे हैं कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं हूं। क्या आपकी सोच एक सूत को इस संसार का भाग नहीं मानती? इस पर गुरु द्रोणाचार्य कर्ण से कहते हैं, बस करो कर्ण, तुम अपनी सभी सीमाएं लांघ रहे हो, तुम मेरे सम्मान को ललकार रहे हो। इस पर कर्ण कहते हैं, नहीं आचार्य द्रोण, मैं आपके सम्मान को नहीं अपितु आपके अभिमान
वह आपके अन्याय को ललकार रहा हूँ। बालपन से ही मेरे साथ अन्याय होता आ रहा है, पर ये अन्याय यहाँ उपस्थित आप सभी महान अनुभवों को क्यों दिखाई नहीं देता? बालपन से ही मुझे धनुष बाण में विशेष रुचि रही है। जब मैंने खेल खेल में खुद लकड़ी से धनुष बाण निर्मित कर अभ्यास करना चाहा, तो पितामह भीष्म द्वारा मुझे स्वयं के द्वारा निर्मित धनुष बाण को स्पर्श करने का अधिकार ही मुझसे छीन लिया गया। ये कहकर कि नीचे जाति के लोगों को धनुष बाण स्पर्श करने का अधिकार नहीं मिल सकता। मेरी सुरक्षा के कारण मेरे अनुज भ्राता शौन ने जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो उसके मुंह में पिघला हुआ स्वर्ण डालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और जब मैं गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, ये सोचकर कि वो तो एक गुरु है, वो किसी को शिक्षा देने में ऊंच नीच का भेद नहीं करेंगे, पर मेरा भ्रम शीघ्र ही टूट गया। उन्होंने मुझे शिक्षा देने से ही इनकार कर दिया और कहा मैं सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग के लोगों को ही शिक्षित करता हूँ, किसी छोटी जाति के सूत को नहीं। मैं आप सभी महान अनुभवों से पूछता हूँ, यदि हमें समाज के अधिकारों से ही वंचित रखा जाना है तो इसका मतलब हम नीची जाति वालों का जन्म लेना ही व्यर्थ है। क्या हमारा जन्म आप सभी ऊंचे वर्ग के लोगों की गुलामी करने के लिए हुआ है? क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के मध्य यूं ही तर्क वितर्क चलते रहे, पर कर्ण के वचनों का प्रभाव ना तो गुरु द्रोणाचार्य पर पड़ा, ना पितामह भीष्म पर पड़ा और ना ही वहां उपस्थित किसी अन्य पर। वहां उपस्थित सभी लोग कर्ण का निरंतर तिरस्कार व अपमान करने लगे। इतने वर्षों पश्चात भी हस्तिनापुर के विचार नहीं बदले। हस्तिनापुर पहले की ही भांति है, जहाँ जात पात का भेद होता है, जहाँ पर योग्यता का कोई मोल नहीं। अपने पुत्र का अपमान होता देख वहाँ कर्ण के पिता अधिरत आते हैं और कर्ण पर क्रोधित होकर कर्ण को वहाँ से वापस चलने को कहते हैं। फिर कर्ण निराश होकर अपने पिता के आदेश अनुसार वहाँ से प्रस्थान करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।